कि मानसून ट्रफ मूविंग नॉर्थवर्ड है, तो अभी अगले 2-3 सप्ताह में अच्छी खासी बारिश होगी। लेकिन ऐसा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो डेफिनेटली फसल के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक जलवायु परिवर्तन का भी विषय है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही है, हम लोग जंगल कम कर रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये सब फैक्टर्स भी जो क्लाइमेट को कंट्रीब्यूट करते हैं वो इन द लॉन्ग टर्म वेदर को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी वजह से क्लाइमेट पैटर्न बदल रहे हैं, वेदर पैटर्न बदल रहे हैं। जैसा कि मौसम विभाग ने मानसून का सीजन शुरू होने से पहले यानी मई महीने में एक लॉन्ग टर्म फोरकास्ट जारी किया था, उससे यह प्रतीत हो रहा था कि जून महीना स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश सामान्य से कम होगी। तो यह एक मेन रीजन था जिसका जो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स है एल नीनो ला नीना, ये जो फैक्टर्स है वो फेवरेबल नहीं थे, तो इसलिए जून महीने में मानसून का रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेशली कम होने का पूर्वानुमान था। लेकिन इसके साथ ही साथ हर महीने हमारा विभाग ये मौसम पूर्वानुमान को अपडेट भी करता है। तो जून महीने के अंत में हमने जुलाई अगस्त और सितंबर महीनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया था। तो इन एक महीने के दौरान जो मानसून की जो कंडीशंस थी वो फेवरेबल हो गई और जुलाई महीने में और अगस्त महीने में स्पेशली यूपी में मानसून का अच्छा खासा रेनफॉल होने का हमारा पूर्वानुमान था। लेकिन ये बात सही है कि जून महीने में बहुत ही डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ, इसलिए सामान्य से थोड़ा अभी स्पेशली ईस्ट यूपी में कम है, वेस्ट यूपी में आज की तारीख में सामान्य से 5% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। और ईस्ट यूपी में अभी भी अगर हम 1 जून से अगर 25 जुलाई तक की बात करें तो अभी फिलहाल सामान्य से कम रेनफॉल हुई है। मानसून की जो रेनफॉल है वो अगर वो यूनिफॉर्म रहे और पूरे सीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे तो वो हमारी जो फार्मर्स बंधु है उनके लिए अच्छा रहता है, फसल के लिए वो अच्छा रहता है। लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है कि कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं और मानसून में ब्रेक कंडीशंस आ जाती है। जैसे मानसून ट्रफ होता है वो अगर वो उसके नॉर्मल पोजीशन से साउथ या नॉर्थ में होता है तो वो स्पेशली यूपी के मानसून पे प्रभाव डालता है। तो अगर वो मानसून ट्रफ अगर साउथ में है जो कि अभी पिछले कुछ सप्ताह से था, तो इसलिए यूपी में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो गई थी, जबकि हम देख रहे थे कि सदर्न पेनिनसुला जैसे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है और वो हर साल दर साल बदलते भी रहती है। तो अभी जो मानसून ट्रफ है वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अभी पिछले 2-3 दिनों से स्पेशली जो बुंदेलखंड रीजन है उत्तर प्रदेश का वहाँ बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे ही मानसून ट्रफ अगर नॉर्मल पोजिशन में आने लगेगा तो पहले तो क्या होगा कि जो चूंकि गर्म हो चुकी है ज़मीन, तो इसलिए यहाँ पे पहले मानसून रेन से पहले थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होगी, तो वो जो गर्मी है वो लेकिन जैसे ही रेनफॉल पैटर्न सेट होता जाएगा वो गर्मी भी कम होती जाएगी। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि मानसून ट्रफ मूविंग नॉर्थवर्ड है, तो अभी अगले 2-3 सप्ताह में अच्छी खासी बारिश होगी, फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल प्रदेश में होगी और गर्मी भी अभी कम होती जाएगी। तो किसान बंधुओं के लिए भी हमारा विभाग हफ्ते में 2 बार एग्रोमेट एडवाइजरी जारी करता है जो कि जो प्रदेश की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है। और साथ ही साथ डायरेक्टली किसानों के साथ जुड़ने के लिए हमारे विभिन्न ऐप है, जैसे मौसम एक ऐप है जो हमारे वेबसाइट पे है, गूगल प्ले स्टोर में भी उपलब्ध है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। खासकर किसान भाई बंधुओं के लिए जैसे मैंने बताया कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी प्रदेश में हो रही है जिसके चलते बहुत सारे जानमाल का भी नुकसान होता है, और स्पेशली किसान बंधुओं के लिए वो ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि वो खेत खलिहानों में काम करते रहते हैं खुले में, तो वो लाइटनिंग स्ट्राइक से उनको हानि होने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती है। तो उसके लिए भी हमारा एक इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट रहता है जिसमें हम उसके ऐसे वेदर के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो भी इम्पैक्ट अभी हम देते रहते हैं। और साथ ही साथ
हमारे ऐसे सर्विसेज भी है कि जिसमें किसान बंधुओं को डायरेक्टली SMS पे हमारे जो एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन है वो मिलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, लेकिन उसका भी एक डेफिनेशन है। तो क्लाउड बर्स्ट तभी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं जबकि एक घंटे में अगर 100 मिलीमीटर रेनफॉल से या उससे ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उस कंडीशन को हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि एक घंटे में अगर 100 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है तो वो डेफिनेटली क्लाउड बर्स्ट क्राइटेरिया में आती है। लेकिन ये भी बात सही है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, भले वो क्लाउड बर्स्ट ना हो लेकिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आजकल बढ़ रहे हैं। ये एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जैसे कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, फिर अगले कुछ दिनों में कुछ बारिश नहीं होगी। तो ऐसा जो रेनफॉल पैटर्न है कि एक्सट्रीम इवेंट्स में ज़्यादा बारिश देगी, तो अगर हम देखते हैं तो अगर महीने या सीजन का हम एवरेज देखेंगे तो वो सेम रहेगा, लेकिन ऐसा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो डेफिनेटली फसल के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक जलवायु परिवर्तन का भी विषय है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही है, हम लोग जंगल कम कर रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये सब फैक्टर्स भी जो क्लाइमेट को कंट्रीब्यूट करते हैं वो इन द लॉन्ग टर्म वेदर को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी वजह से क्लाइमेट पैटर्न बदल रहे हैं, वेदर पैटर्न बदल रहे हैं। तो बेसिकली इसका यही होता है कि जब क्लियर स्काइज होता है तो जो सोलर रेडिएशन होता है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे आता है, तो ग्राउंड पे आता है तो जमीन गर्म होती है, जमीन गर्म होती है तो क्या होता है कि कन्वेक्टिव करंट जनरेट होते हैं। तो जब गर्म होती है कोई भी चीज़ तो उसमें से कन्वेक्शन जनरेट होगा, तो ये जो कन्वेक्टिव करंट्स है वो जमीन से एक रेडिएशन इमिट होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसके साथ ही साथ जब ये गर्मी बढ़ती रहती है और साथ ही साथ अगर उसको मॉइस्चर मिलता है तो वो मॉइस्चर गर्म हवा के साथ ऊपर बढ़ते रहता है, और जैसे ही गर्म हवा ऊपर बढ़ती है, जैसे ही हम ज़मीन से ऊपर ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होते जाता है, तो ये जो मॉइस्ट एयर होती है वो ठंडा होने लगती है, और जैसे ही वो ठंडा होने लगेगी क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और चूँकि उसमें नमी है तो उसमें पानी की बूंदें जो है वो कंडेंस होने लगेगी, फिर वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे। वाटर कभी कभी अगर वो बहुत ही ज़्यादा टॉल क्लाउड हो गया तो उसमें आइस क्रिस्टल बनेंगे, अगर आइस क्रिस्टल बनते हैं तो वो फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आने लगते हैं, रेन ड्रॉप और आइस क्रिस्टल। तो ये प्रोसेस क्लाउड में चलते रहता है, और सर्टन उसका जब सर्टन ग्रोथ हो जाता है तो वो ग्रेविटी के नॉट होल्ड इट, मतलब अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट के नॉट होल्ड इट, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आने लगते हैं, जिसको कि हम कन्वेक्टिव रेन बोलते हैं। और कभी कभी जब ये इंटेंस होता है तो आइस क्रिस्टल आइस क्रिस्टल फॉल होते हैं वो मेल्ट नहीं हो पाते जमीन तक आने तक, तो इसी को हम ओले बोलते हैं कि जो क्रिस्टल फॉर्म में, आइस क्रिस्टल फॉर्म में जमीन तक आते हैं। तो दो प्रकार है, जैसे लिक्विड ड्रॉप भी आ सकता है जिसको रेनफॉल बोला जाएगा, ओले भी गिर सकते हैं, तो जो कि एक थंडरस्टॉर्म का ही एक पार्ट है, हेलस्टॉर्म। तो ये प्रोसेस है, और इसी के चक्कर में जो आइस क्रिस्टल्स और ये कोलाइड भी होते हैं, कुछ आइस क्रिस्टल छोटे हैं वो अपड्राफ्ट के साथ क्लाउड में ऊपर जाते हैं, जो हेवियर है वो नीचे आते हैं, तो इस प्रोसेस में वो एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराने से उसमें चार्जेस जनरेट होते हैं, तो वो चार्जेस जनरेट होने के बाद वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्ड होता है क्लाउड में, और चूंकि क्लाउड और जमीन के बीच में एयर है और एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये जो चार्जेस क्लाउड में एक्यूमुलेट होते हैं वो एक सर्टन अमाउंट तक एक्यूमुलेट होंगे, उसके बाद वो क्लाउड उसको होल्ड नहीं कर पाता उस चार्जेस को, तो फिर वो रैंडमली डिस्चार्ज कर देते हैं ज़मीन की तरफ, जिसी को हम मोटा मोटा लाइटनिंग एक्टिविटी बोलते हैं।